नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या कोरोना है या फिर नहीं है। इस तरीके से महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में भी दोस्तों कई लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर रुखसत हो रहे हैं। और जिस तरीके से दोस्तों तस्वीरें निकल कर, वीडियोज़ निकल कर सामने आ रही है, वो कह सकते हैं हम भयावह है। पर क्या दोस्तों भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार्स हैं, हीरो हीरोइन दोनों दोस्तों, क्या उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं सता रही है कि जिस तरीके से कोरोना की जो सेकेंड वेव है हाल फिलहाल में, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, उसे देखते हुए उन्हें खुद अपने घर में रहना चाहिए और बाकी लोगों से भी यही अनुरोध करना चाहिए कि वो घर ही में रहे, सुरक्षित रहें, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग लगातार करते रहें। पर दोस्तों हाल फिलहाल में जिस तरीके से, सबसे पहले अक्षरा सिंह का एक वीडियो निकल कर सामने आया जो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो पार्टी में सम्मिलित थी, जहां पर इक्का दुक्का लोगों ने भी गलत तरीके से मास्क पहन रखा था, नाइट कर्फ्यू का पूरा उल्लंघन हो रहा था, पार्टी चल रही थी बाकायदा, तो कहाँ से होगा मास्क, कहाँ से होगा सैनिटाइज़र। और अब दोस्तों प्रमोद प्रेमी, जी हाँ दोस्तों, प्रमोद प्रेमी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। खुद उन्होंने ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा ये वीडियो शेयर किया है, जहाँ पर ये साफ तौर से दिखाई दे सकता है कि किस तरीके से वो भी एक पार्टी में, किसी शादी के फंक्शन में सम्मिलित हुए और वहाँ भी दोस्तों ना मास्क है, ना सैनिटाइज़र है, फुल ऑन पार्टी चल रही है। तो क्या इन भोजपुरी सितारों को ये लग रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो है ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों ना तो आपको मास्क दिख रहा है, ना सैनिटाइज़र दिख रहा है, एक दूसरे से दूरी भी यहाँ पर लोग मेंटेन करके नहीं रखे हुए हैं। जबकि दोस्तों आए दिन हमें जो कोरोना के जो रिकॉर्ड हैं वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, आए दिन नया नया रिकॉर्ड जो है वो बनते हुए नज़र आ रहा है। यही हाल दोस्तों देखा निरहुआ के भाई प्रवेश लाल यादव का भी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो भी किसी शादी में सम्मिलित हुए, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम द्वारा शेयर की है। और आप देख सकते हैं कि शादी में जिसमें वो सम्मिलित हुए हैं, उसमें ना तो उन्होंने मास्क पहन कर रखा हुआ है, ना ही किसी भी व्यक्ति या फिर स्त्री ने यहाँ पर मास्क पहन कर रखा हुआ है। शादी दोस्तों अच्छी बात है कि शादी हो रही है, दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, सात जन्मों का मिलन हो रहा है, पर जिस तरीके से और जिस रफ्तार से दोस्तों कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, तो क्या इसे देखते हुए ये शादी करवानी ज़रूरी हो जाती है? क्योंकि हाल फिलहाल में एक और वीडियो रिलीज़ हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां दूल्हा दुल्हन जो है वो पीपीई किट पहन कर शादी कर रहे हैं और जो दूल्हा है वो कोविड पॉजिटिव निकलता है। तो जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए क्या शादी को आने वाले समय के लिए पोस्टपोन्ड नहीं किया जा सकता? क्योंकि दोस्तों ये बात ज़िंदगी पर आ चुकी है। जिस तरीके से दोस्तों ये जो भोजपुरी सितारे हैं वो शादी में सम्मिलित हो रहे हैं, ये एक आइडियल की तरह माने जाते हैं, लोग इन्हें फॉलो करते हैं, जो भी ये करते हैं दोस्तों, जो भी इनका स्टाइल होता है या जो भी इनका रहने का ढंग होता है, लोग उसे कॉपी करने की कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये देख कर कहीं ना कहीं लोगों में एक गलत मैसेज जाता है कि हाँ भाई, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो तो हमें हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इन सब बातों से बच्चे, वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होने वाली है 1 मई से, उसे ज़रूर अटेंड करें और अपने घर में सुनिश्चित करें कि सभी मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं। सावधानी बरतिए दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 की ये जो महामारी है उससे हम अपने आप को खुद सुरक्षित रह के ही अपने आप को और अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। नमस्कार।